नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स मैनिया। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच इस सीरीज का पहला मुकाबला धर्मशाला में खेला जाना था, लेकिन उस मैच में बिना किसी गेंद के फेंके हुए मैच बारिश की भेंट चढ़ गया। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच इस सीरीज का दूसरा मुकाबला आज मोहाली में खेला जाएगा। ऐसे में दोनों ही टीमें यहाँ पर विजय आगाज करना चाहेगी, लेकिन इस मैदान के आंकड़े अब तक भारत के पक्ष में रहे हैं। भारतीय बल्लेबाजों को यह मैदान काफ़ी रास आता है। वहीं इस मैदान पर दक्षिण अफ्रीका की टीम पहली बार खेल रही है, तो जाहिर सी बात है कि भारत को मनोवैज्ञानिक साथ जरूर मिलेगा इस बात का। अब बात कर लेते हैं दोनों ही टीमों की। तो भारत के ओपनर शिखर धवन पिछले कुछ समय से खराब फॉर्म के दौर से गुजर रहे हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ भी वे अपेक्षा के अनुसार प्रदर्शन नहीं कर पाए, ऐसे में उन पर रन बनाने का दबाव होगा, लेकिन यह मैदान शिखर धवन को बहुत त्रास आता है। वहीं विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत पर भी अच्छी बल्लेबाजी के लिए दबाव है, क्योंकि वे पिछले कुछ मैचों में खराब शॉट चयन के कारण आलोचना के शिकार बने हुए हैं। वहीं टीम प्रबंधन ने स्पष्ट किया कि यदि ऋषभ पंत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं तो उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वहीं इसके बारे में विराट कोहली ने कहा कि जब उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय करियर में पदार्पण किया था तब उनके पास सीमित मौके थे और उनका फायदा उन्होंने उठाया। उन्होंने कहा कि अब युवाओं के पास भी टीम में सीमित ही मौके हैं जिनमें उन्हें खुद को साबित करना होगा। वहीं राहुल चाहर और वाशिंगटन सुंदर पर भी दबाव होगा, क्योंकि उन्हें लगातार दूसरी बार कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल की जोड़ी पर तरजीह दी गई है। वहीं दक्षिण अफ्रीका की टीम भी पिछले कुछ समय से लय में नजर आ रही है, तो वे भारत को जबरदस्त टक्कर देने की उम्मीद कर रही हैं। उनके पास कगिशो रबाडा जैसे गेंदबाज हैं। वहीं दक्षिण अफ्रीका की टीम भी अब नए बदलाव से गुजर रही है, तो ऐसे में दबाव उनके ऊपर भी होगा। तो गाइस, इसके बारे में आपके क्या है ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को। धन्यवाद।